नमस्कार दोस्तों, ये 36 सीडीपी क्विज है जिसमें आज से हम अपनी जो बुक है मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान बाय दीपक शर्मा, उस बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर से आज चालू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को दो सेक्शन में बांटा गया है, इसलिए आप देख सकते होंगे चैप्टर 1A एंड चैप्टर 1B के रूप में रखा गया है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और सो ऑन सो फोर्थ। 35 सीडीपी क्विज हम कर चुके हैं, ये 36 सीडीपी क्विज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूल सेम रहेंगे, 5 सेकंड समय मिलेगा आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर मींस, मनोविज्ञान की परिभाषा में व्यवहार का अर्थ है, ऑप्शन ए इंटरनल कोवर्ट प्रोसेस यानी आंतरिक गुप्त प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेसेस मानसिक प्रक्रियाएं, आउटवर्ड एंड ओवर्ट एक्सप्रेशंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस, या ओनली ह्यूमन बिहेवियर। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर है, जिसके लिए आपको एज यूजुअल 5 सेकंड्स मिलेंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। तो देखिए, जब हम आते हैं बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस की, तो इंटरनल प्रोसेस यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, और आउटवर्ड ओवर्ट एक्सप्रेशन या एक्शंस या रिएक्शन यानी बाहरी क्रियाएं, तो इसलिए आंसर होगा यहां पे सी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली साइकोलॉजिस्ट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू एग्री विद द स्टेटमेंट द स्टडी ऑफ द माइंड शुड फोकस ऑन हाउ इट अलाउज अस टू अडॉप्ट टू आवर सराउंडिंग्स। मन के अध्ययन में हम कैसे अपने परिवेश के अनुकूल होते हैं पर इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्न प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों में से कौन ऊपर दिए हुए कथन से सहमत होने के सबसे अधिक संभावना रखता है? तो ऑप्शन ए विलहम वुंड, बी विलियम जेम्स, सी जॉन वॉटसन और डी सिगमंड फ्रॉइड। आपको यहां पे समझना है कि कौन इस बात से इत्तफाक रखेगा कि द स्टडी ऑफ माइंड शुड फोकस ऑन हाउ इट अलाउज अस टू अडॉप्ट टू आवर सराउंडिंग। अडॉप्ट टू आवर सराउंडिंग, अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना। तो हमें अनुकूल होने के लिए, यानी कि यहां पे बात की जा रही है फंक्शन की, यहां बात की जा रही है फंक्शन की, यानी कि क्रियात्मकतावाद, क्रियात्मकतावाद का सिद्धांत है, या प्रकार्यवाद जिसे आप कहेंगे। विलियम जेम्स प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बुक लिखी थी उन्होंने, महत्वपूर्ण है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहलाते हैं। यूएस में फंक्शनलिस्ट पर साइकोलॉजी की का बेस रखा था उन्होंने। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अर्ली पर्सपेक्टिव वुड हैव बीन लीस्ट लाइकली टू एग्री विद द स्ट्रक्चरलिस्ट, कौन सा प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य संरचनावाद से सबसे कम सहमति रखता या रखती थी? तो ऑप्शन ए इंट्रोस्पेक्शनिज्म यानी कि आत्मनिरीक्षणवाद, फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकतावाद, साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद या गेस्टाल्ट। तो इनमें से, इन चार में से सबसे कम चांसेस किसके हैं? तो आपको बताना है बिल्कुल ऑपोजिट थॉट टू स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, जो कि विलहम वुंड ने दिया था, पहली लैब बनाई थी उन्होंने, और वो बात करते थे कि माइंड के अंदर अपनी एक संरचना होती है जिसके लिए वो तरीका अपनाते थे। इंट्रोस्पेक्शनिज्म का फंक्शनलिज्म आया, जिसने कि ये कहा कि केवल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज फंक्शन, हाउ डज माइंड वर्क। और साइकोएनालिसिस, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों को ही मानता था, लेकिन गेस्टाल्ट जो कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पूर्णतः नकारते हैं और पूर्ण रूप से बात करते हैं प्योर गेस्टाल्ट की, यानी आइडिया की। सो ये जो सूज का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था, और जिस सिद्धांत पे काम करते हैं विजुअलाइजेशन, विजुअल परसेप्शन पे वर्टहाइमर, यानी जिसे आप वर्देमर बोलते हैं, या कर्ट लेविन, जिन्होंने सोशल साइकोलॉजी की का उदय किया। तो आपको अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये देखना है कि किस व्यक्ति ने कौन सा काम किया था किस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ज्यादा बेहतर देख पाएंगे। तो वर्किंग ऑफ माइंड पे पूर्ण रूप से काम करता है गेस्टाल्ट, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीआरटी के एग्जाम में। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मैरी विटन कॉल्किंस, मैरी कोवर जोन्स,
मार्गरेट वॉशबर्न या एलेनोर गिब्सन, इनमें से कौन है जो कि एपीए की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो यहां पे आंसर इज नॉट डिफिकल्ट, आंसर होगा इसका ए। और यहां पे मैरी विटन कॉलकिंस जो कि पहली हेड बनी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए मार्गरेट वॉशबर्न को, जो कि ये शुरुआती महिला साइकोलॉजिस्ट में से थी, मैरी कोवर जोन्स जिन्होंने की जो कि जॉन वॉटसन की स्टूडेंट और सहयोगी थी, जिन्होंने की काउंटर कंडीशनिंग का कार्य किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द अर्ली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल साइकोलॉजिस्ट इवेंचुअली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ टू यूनिवर्सिटीज? अफ्रीकी अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिकों में कौन दो विश्वविद्यालयों की अध्यक्ष बनी? रूथ हॉवर्ड, एनएस बेवरली प्रोसर, रॉबर्ट प्रेंटिस डेनियल या एल्बर्ट सिडनी बेकहम? यहां पे आंसर क्या होगा, कौन थी जो कि दो यूनिवर्सिटीज की हेड बनी और ब्लैक थी? तो आप याद रखेंगे यहां पे प्रोसर का नाम, यानी कि इनेस बेवरली प्रोसर, जो कि दो यूनिवर्सिटीज की हेड बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट टुडेज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? इनके जोड़े में से कौन सा आज का सबसे पुराना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दर्शाता है? ऑप्शन ए ह्यूमनिज्म एंड बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म एंड साइकोडायनेमिक्स, साइकोडायनेमिक्स यानी साइकोएनालिटिक, साइकोडायनेमिक एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी? इन चार में से कौन सा जोड़ा है जो सबसे पुराने प्रकार की साइकोलॉजी, पुराने पुराने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को दर्शाता है? यहाँ पे आंसर होगा बी, यानी कि बिहेवियरिज्म एंड साइकोडायनेमिक। बिहेवियरिज्म जिसका उदय होता है, जिसमें कि आप पढ़ते हैं पावलो एरिक्सन, पावलो स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक, और साइकोडायनेमिक जिसमें आप पढ़ते हैं कार्ल गुस्ताव यूंग, उनसे पहले थे फ्रॉयड जो कि इसके फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहलाते हैं, फिर एडलर, फिर एना फ्रॉयड, एरिक्सन, ये सब इसी स्कूल ऑफ थॉट से आए हैं। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सपेक्टिव इज नोन एज द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी? कौन सा परिपेक्ष मनोविज्ञान में तीसरे बल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या ह्यूमनिज्म? मजेदार बात यहां पे ये है कि ये जो चार स्कूल ऑफ थॉट हैं, इनमें से थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी क्या कहा जाता है? तो आपको बात याद दिला दें, यहां पे कार्ल रॉजर्स, आपने पढ़ा भी हुआ होगा, कार्ल रॉजर्स जिन्होंने सबसे पहली बार थ्री फोर्स ऑफ साइकोलॉजी की बात की थी, थ्री फोर्स ऑफ साइकोलॉजी की बात सबसे पहले करने वाले थे कार्ल रॉजर्स। और कार्ल रॉजर्स ने कहा साइकोएनालिसिस फर्स्ट फोर्स था, बिहेवियरिज्म सेकेंड फोर्स था और ह्यूमनिज्म थर्ड फोर्स है। तो इस तरीके से उन्होंने तीन सो में बांटा था। आंसर होगा इसका बी, ह्यूमनिज्म इज थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सपेक्टिव वुड अ रिसर्चर बी टेकिंग इफ शी वर स्टडिंग द न्यू वे चिल्ड्रन लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट ऑफ देयर एक्शंस? कौन से परिपेक्ष में एक शोधकर्ता यह अध्ययन करता है कि बच्चे अपने कार्यों को पुनर्वलित करने के माध्यम से सीखते हैं? ऑप्शन ए साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो इन चार में से आपको बताना है कि किस में रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर आएगा। तो ये तो आसान है कि आप इसका आंसर देंगे बी, बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म में बिहेवियर को रिएक्शन के रूप में और उसके स्टिमुलस के रूप में रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, जिसकी बात की थी स्किनर ने। तो स्किनर ने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दिया था। हालांकि शुरुआती काम अगर रीइंफोर्समेंट के देखें तो हम इसमें पाएंगे कि हल का एक अच्छा काम है। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट पे काम करने वाले थे टॉलमैन। तो टॉलमैन ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी, हल ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी और स्किनर ने रीइंफोर्समेंट पे काम किया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइंटिफिक मेथड द फर्स्ट स्टेप इज, इन द साइंटिफिक मेथड द फर्स्ट स्टेप इज, वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम है? ऑप्शन ए रिपोर्टिंग योर रिजल्ट, परसीविंग ए क्वेश्चन, ड्राइंग कंक्लूजंस या टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। जब साइंटिफिक पद्धति चालू होती है तो उसमें कुछ कदम होते हैं, तो उसमें सबसे पहला कदम आपका क्या होगा, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू? तो परसीविंग ए क्वेश्चन, कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक रिसर्च
क्वेश्चन होना चाहिए जिसको आपको रिसर्च करना है। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन है यही आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में। उसके बाद आप इसी के बेस पे अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स एटसेट्रा, ये सारे प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ डैश हेल्प्स टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर बायस, डैश का उपयोग पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए ब्लाइंड ऑब्जर्वर्स, अ सिंगल ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्जर्वर्स या नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा है जो बायस को खत्म करता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आप जब भी ब्लाइंड ऑब्जर्वर हो, ब्लाइंड ऑब्जर्वर यानी ये नहीं कि नेत्रहीन हो वो, यहां पे नेत्रहीन लिखा हुआ है बट नेत्रहीन का मतलब नहीं, ब्लाइंड मतलब कवर, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसको अगर ये ना पता हो कि वो बेसिकली किस चीज की स्टडी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इस तरीके की स्टडी होती है कोवर्ट ऑपरेशंस में, तो बायस नहीं होता उसके अंदर, राइट। तो मान करके चलिए कि सरकार एक रिसर्च करना चाहती है स्कूल्स में और वो उस रिसर्च को करने के लिए कुछ रिसर्च क्वेश्चन तैयार करती है, उन्हें कैरी आउट करने के लिए वो एक नई पॉलिसी को लागू कर देती है स्कूल्स के अंदर, लेकिन वो ये नहीं बताती टीचर को या प्रिंसिपल को कि ये पॉलिसी क्यों लागू की गई है। बेसिकली वो पॉलिसी लागू की गई है किसी रिसर्च को करने के लिए। ऐसी स्थिति में टीचर या प्रिंसिपल अपने परसेप्शन से रिसर्च को बर्बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बायस वहां पे काम नहीं आएगा, उन्हें पता ही नहीं है कि रिसर्च हो किस चीज पे रही है। तो इस ऐसी रिसर्च में बायस को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए केस स्टडी इज दैट इट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए केस स्टडी इज दैट इट इज नॉट ऑप्शन ए इजिली डन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बी डिटेल्ड इनफ फॉर मोस्ट रिसर्च क्वेश्चंस, सी जनरलाइजेबल टू अदर सिमिलर कंडीशन अन्य समान परिस्थितियों के लिए सामान्यकृत होती है, और डी बायस्ड पूर्वाग्रहित होती है। मुख्य डिसएडवांटेज क्या है किसी भी केस स्टडी के? तो केस स्टडी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर केस पे होती है, जो चीज एक पर्टिकुलर पे होगी, याद रखना पर्टिकुलर जो होता है वो जनरलाइजेबिलिटी का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो जहां पे पर्टिकुलर केस की बात हो रही है तो इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर सी होगा, राइट। तो अगर कोई एक ऐसी स्टडी है जिसको हम एक जगह करते हैं और वो वहीं पे ही काम आती है तो फिर दूसरी जगह पे काम ही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, स्कूल्स के लिए दो प्रकार की रिसर्च, एक तो केस स्टडी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिनको स्टडी करना होता है इसलिए केस स्टडी, और दूसरा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन देती है एक्शन रिसर्च। तो पर्टिकुलर चीज की स्टडी करना केस स्टडी, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने के लिए एक्शन रिसर्च, ये दो स्कूल्स में बहुत काम आती है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन ए डैश स्टडी नीदर द एक्सपेरिमेंटर नॉर द पार्टिसिपेंट नो हु इज इन द कंट्रोल ऑफ ग्रुप एंड हु इज इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक डैश अध्ययन में ना तो प्रयोगकर्ता को ना ही प्रतिभागियों को पता होता कि नियंत्रण समूह में कौन है और कौन प्रायोगिक समूह में है, यानी रिसर्च किस पे हो रही है और कौन रिसर्च में प्रतिभागी है, ये पता ही नहीं चलता। तो ऐसी रिसर्च को इन ए डैश स्टडी, डैश स्टडी मतलब एक इस प्रकार की स्टडी में, किस प्रकार की स्टडी में, प्लेसिबो स्टडी में, सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी में, डबल ब्लाइंड स्टडी में या ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी में। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसिबो स्टडी क्या होती है पहले इसको समझ लीजिए आप। प्लेसिबो होती है जब आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति कहता है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और उस पर स्टडी की जाती है और उसे नॉर्मल ग्लूकोज की गोलियां दे दी जाती हैं बजाय कोई दवाई देने के, और फिर वो कहता है, उसे लगता है कि मुझे दवाई दी जा रही है और वो कहता है कि मैं ठीक हो गया, तो ये प्लेसिबो दिया गया था, यानी कि उसके सिर में दर्द नहीं था, उसका उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसे दवाई चाहिए ठीक होने के लिए। अब दूसरी होती है सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी, जिसमें कि रिसर्चर को पता नहीं होता या पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता कि भाई मेरे ऊपर रिसर्च हो रही है। तीसरी होती है डबल ब्लाइंड स्टडी, ना तो रिसर्चर को पता होता ना प्रतिभागी को पता होता। और तीसरी होती है ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी, जिसमें कि स्टडी हो गई
ना तो स्टडी करने वाले को पता, ना जिस पे स्टडी हो रही थी उसे पता, और ना ही वो स्टडी जिस चीज के लिए उपयोग में लाई जानी है उसकी भी अभी जानकारी नहीं है, परंतु इसके जो आउटकम है वो बड़े फायदेमंद होते हैं। तो ये प्रकार की स्टडीज होती हैं। यहां पे आंसर होगा डबल ब्लाइंड, क्योंकि प्रतिभागी को भी नहीं पता और रिसर्चर को भी नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉमन एथिकल रूल्स, इनमें से कौन सा सामान्य नैतिक नियमों में नहीं है। ऑप्शन ए, पार्टिसिपेंट हैव टू गिव इन्फॉर्मेंट कंसेंट, प्रतिभागियों को सूचित सहमति देनी होती है। मनुष्य के साथ किसी भी अध्ययन में धोखे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों के अधिकार और भलाई पहले आने चाहिए और डेटा गोपनीय होना चाहिए। भाई ये चारों जो चीजें हैं ये समझ तो आ रही है कि ये चारों ही एथिकल रूल्स हैं, पर ये पूछा गया है कि नॉट वन ऑफ दी एथिकल रूल्स, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉमन एथिकल रूल नहीं है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, डिसेप्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी स्टडी विद ह्यूमन बीइंग, यहां पे एनी स्टडी नहीं होना चाहिए। दो प्रकार की स्टडी होती हैं, याद रखिएगा इस रूप में, एक होती है ओवर्ट और दूसरी होती है कोवर्ट। जब कोवर्ट रिसर्च की जाती है, यानी ऐसी जो कवर हो जो कि छुपा करके की जाए, चुपके से उसमें माइक्रोफोन लगा करके, चुपके से कैमरा लगा करके और उनकी डेटा को रिकॉर्ड किया जाए, ऐसी स्टडी में आप पूछने के लिए थोड़ी जाएंगे व्यक्ति से कि भाई तेरे ऊपर स्टडी करें क्या। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज होती हैं जिसमें कि इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाते हैं रिसर्च को पूरा करने के लिए। जैसे कुछ लोगों के ऊपर स्टडी की गई कि वो झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो ऐसी स्टडी में उन्हें बताया नहीं गया कि उनके झूठ बोलने पे स्टडी की जा रही है। तो बेसिकली उनसे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिन सभी क्वेश्चन का आंसर वो सच दें, और उस दौरान स्टडी चलती रही और उन्हें बताया नहीं गया। उनसे बताया गया कि आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और आपके एक्सप्रेशन पे हम स्टडी कर रहे हैं, इसी को कोवर्ट रिसर्च कहते हैं। ठीक है जी, तो एक होती है ओवर्ट रिसर्च, जिसमें बता दिया जाता है कि आपकी भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है, उसमें होता है। तो यहां पे एनी स्टडी दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है जी, तो कई बार डिसेप्शन की जरूरत पड़ती है कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वी यूज एनिमल इन रिसर्च बिकॉज, हम पशुओं को अनुसंधान में प्रयोग करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, जानवरों का सरल व्यवहार होता है जिसमें परिवर्तन को देखना आसान होता है। जानवर मनुष्य के मुकाबले कम समय तक जीवित रहते हैं और इन्हें नियंत्रित करना आसान होता है। हम जानवरों के लिए वे उपयोगी चीजें कर सकते हैं जो कि इन इंसानों पर नहीं कर सकते। वी कैन डू थिंग्स एंड एनिमल दैट वी कैन नॉट डू ऑन डू टू विद पीपल, ऑल ऑफ दी अबव इज ट्रू। इनमें से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये आपको बताना है कि क्या ये ऑप्शन होगा, एनिमल्स हैव सिंपल बिहेवियर, बिल्कुल सही है। एनिमल्स डोंट लिव लॉन्गर देन ह्यूमन, ये भी ठीक है। वी कैन डू थिंग्स एनिमल दैट विद एनिमल, जो कि हम इंसानों पे नहीं कर सकते, और इसीलिए इसका आंसर होगा डी, राइट। यही कारण है भाई, पैवलो ने कुत्ते को भूखा रखा, अगर किसी इंसान को भूखा रखा जाए तो, या ओवरफीड करवाया जाए तो क्या होगा। अब टॉलमैन ने चूहों को भगाया, उसकी जगह इंसानों को भगाता तो क्या होता, मुश्किल है ना। स्किनर ने चूहों को करंट लगाया, पीजन्स को भूखा रखा, रैबिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए, क्या ये सब इंसानों के साथ किए जा सकते थे, नहीं किए जा सकते, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, विच अर्ली थियरिस्ट हेल्प्ड हिज पर्सपेक्टिव ऑन साइकोलॉजी बाय पासिंग इट ऑन डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डॉक्ट्रिन, किस शुरुआती सिद्धांतवादी ने डार्विन के अस्तित्व के योग्यतम सिद्धांत पर मनोविज्ञान में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नंबर एक, विल्हेम वुंड, बी विलियम जेम्स, सी जॉन वॉटसन और डी साइमन फ्रॉयड। तो इनमें से कौन थे जो प्रभावित थे भाई चार्ल्स डार्विन से। तो डार्विन ने जो काम दिया है वो उसमें बोला उन्होंने अडेप्टेशन को महत्वपूर्ण चीज बोला। अब आपको ढूंढना है कि यहां पे अडेप्टेशन को महत्वपूर्ण बोला विलियम जेम्स ने, तो इसलिए अनुकूलन के सिद्धांत से ही जुड़ता है फंक्शनलिज्म। अगर अगली बार क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शनलिज्म के सबसे नजदीक कौन सा है, तो आप आंसर देंगे विलियम जेम्स, फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, लगभग 30-32 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर में, आधे आज रखे गए हैं, आधे कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में रहेंगे।
द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज अ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ, पूर्ण भागों की राशि के जोड़ से अधिक होता है, डैश के परिपेक्ष का एक कथन है. तो आपको बताना है कि ये किसने कहा है, इंट्रोस्पेक्शन यानी स्ट्रक्चरलिज्म, बी फंक्शनलिज्म, सी साइकोएनालिसिस और डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. बड़ा आसान प्रश्न होगा आपके लिए. वैसे तो देखो ये एरिस्टोटल ने कहा था, ये लाइन जो है ये एरिस्टोटल की है. ऑलवेज रिमेंबर दैट होल इज ऑलवेज लार्जर देन पार्ट्स ऑफ सम ऑफ दीज पार्ट्स. लेकिन इसको यूज किया था वर्टहाइमर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा डी. राइट, आशा करता हूं कि आपको ये सेशन मजा आया होगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा. बुक के अंदर इन क्वेश्चंस को रेफर करें और जाकर के दोबारा से उन्हें देखें. वहां पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें. तब तक के लिए नमस्कार.